Good morning, student. This is Poonam Khetan and I welcome you in MKH video series. Students, we are doing your history book and we have completed chapter number 1. Today, we are starting the new chapter, chapter number 2, and the name of this chapter is From Hunting, Gathering to Growing Food. In प्रीवियस वीडियो वी हैव स्टडीड कि हमारे जो टाइम है हिस्ट्री का वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे लोग रह रहे हैं और जो रह रहे हैं वो क्या क्या कर रहे हैं. उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो नर्मदा रिवर है उसके आसपास जो लोग रह रहे थे उनका काम क्या था, हंटरिंग करना और गैदरिंग करना. तो हंटरिंग मतलब किसकी हंटरिंग करते थे, एनिमल्स की. हंटर एनिमल्स को हंटर करते थे अपने फूड के लिए. गैदरिंग मतलब जो प्लांट्स थे, ट्रीज थे, जो आसपास जो फॉरेस्ट थे वहाँ से अपना फूड गैदर करते थे. तो ये वक्त था पहले, जब जहाँ से भी ऑरिजिन हुआ है हमारे टाइम का वहाँ से आगे जब हम चलते हैं तो ह्यूमन जो है वो इतना डेवलप नहीं था. धीरे 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 चीज़ें जो है वो डेवलप होना शुरू हुई. पहले जो है वो ह्यूमन ने क्या किया, एनिमल को मारना सीखा, उससे फूड कच्चा ही हम लोग रो ही खा जाते थे, या जो प्लांट्स या जो बाकी वेजिटेशन होती थी उसको खाते थे. फिर हम क्या कर रहे हैं, पहले हंटिंग कर रहे हैं और गैदरिंग कर रहे हैं. फिर धीरे 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 हम कहाँ आ रहे हैं, एग्रीकल्चर की तरफ आ रहे हैं, यानी क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, वहां से हम अपना फूड कलेक्ट कर रहे हैं. तो ये क्या है, टाइम टू टाइम जो है वो डेवलपमेंट हुआ है. तो हम यहां से हंटिंग गैदरिंग से स्टार्ट होकर ग्रोइंग फूड तक पहुंचने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले यहां पे आपकी बुक के अंदर ही स्टोरी दी हुई है तुषार. तुषार जो है एक बॉय है जो कि दिल्ली में रह रहा है और वो कोई तो मैरिज के लिए जा रहा है चेन्नई एक्सप्रेस से. चेन्नई एक्सप्रेस, हाँ वही मूवी वाली, यस. तो चेन्नई एक्सप्रेस से चेन्नई जा रहा है, चेन्नई जा रहा है तो वो विंडो सीट पे बैठ जाता है. विंडो सीट से बाहर, ग्लास से बाहर अपनी नोज़ को बिल्कुल पोक करके और देख रहा है कि बाहर क्या हो रहा है. तो पोक करते करते जब अपने अंकल के साथ में जा रहा है तो वो उनसे डिस्कशन होता है. तो वो पूछ रहा है उनसे कि हम जो है अभी ट्रेन पर जा रहे हैं, ट्रेन कब चलना स्टार्ट हुई थी. तो उसके अंकल बताते हैं इट इज़ 150 ईयर्स, कि ट्रेन जो है वो 150 ईयर्स हो गए हैं जब ट्रेन को इन्वेंशन हुआ या जब ट्रेन चलने स्टार्ट हुई. तो फिर उससे पहले क्या करते थे, ऐसा तो है नहीं कि पहले जो है वो लोग एक ही जगह पे रहते थे, ऐसा तो नहीं है ना. हम तो एंशियंट टाइम में भी पढ़ा कि लोग जो है वो मूविंग करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, ट्रेडिंग होती थी, और इवन बाहर के जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी हमारे जो इंडिया की लोगों के कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिली है, हमारे टेंपल्स वहाँ से मिले हैं. तो ऐसे ही थोड़ी मिल गए, या यहाँ से उठा के तो कोई ले नहीं गया. इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग मूव करते थे या वहाँ के लोग यहाँ पे आते थे तभी कल्चर जो है वो आपस में एक्सचेंज हुआ है. तो अब पहले अगर लोग ट्रेवल करते थे तो फिर क्या कैसे करते थे. तो पहले फिर उसके चाचा ने बताया कि पहले, हाँ अभी बसेस भी जो हैं वो बहुत लेट आई हैं, बस जो हैं वो भी बहुत लेट आई हैं. पहले किससे लोग जो हैं वो ट्रेवल करते थे, पहले जो है वो एनिमल्स पे लोग मूव किया करते थे, लाइक हॉर्सेस जो रहते थे या बुल कार्ट रहती थी, कैमल के ऊपर जो एनिमल्स जो थे उन पे मूव किया करते थे एक जगह से दूसरी जगह. शिप भी बन गई थी, शिप आपकी जो है, और कारवाज लेके चलते थे, इस तरीके से मूव करते थे. तो मतलब जाते तो थे एक जगह से दूसरी जगह जाते तो थे, वो उसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं. ऑल्दो वो थोड़ा टफ रहता था, इतना ईजी तो नहीं है, है ना. आज हमारा ऑफिस जो है वो 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर्स जो है वो दूर है. इवन कई लोग जो हैं वो यहाँ से 70 किलोमीटर्स तक रोज़ अप डाउन करते हैं. तो अगर इस तरीके से पैदल जाना पड़ता है या एनिमल्स पे भी आप जा रहे हो तो बहुत टाइम लग सकता है, तो वो नहीं कर सकते हैं, उससे वर्क एफिशिएंसी कम हो जाती है. लेकिन मूव तो तब भी करते थे, उसके सोर्सेज जो हैं वो अलग होते थे, ठीक है. तो ये तो रही स्टोरी. तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं द अर्लीस्ट पीपल, और उसमें बोला हुआ है कि वाई दे वर ऑन द मूव. जो अर्लीस्ट पीपल हैं, हम यहाँ पे ये पढ़ते हैं या हम जानते हैं कि जो अर्लीस्ट पीपल थे उनकी जो नीड्स थी वो बहुत ही बेसिक थी, बहुत ही लिमिटेड थी. तो अगर इतनी लिमिटेड थी तो फिर वो मूव क्यों करते थे, एक जगह ही क्यों नहीं रहते थे. हो सकते हैं ना ये क्वेश्चन कि उनको तो वहीं
से प्लांट से ही फूड मिल जाता था, वहीं रिवर के पास में रहते थे, तो जब इतना सब कुछ अवेलेबल है तो फिर क्यों मूव करते थे? तो तब उसके लिए भी मूव वो करते थे, उसके कुछ रीजंस हैं। पहले आप ये जानेंगे कि अर्लीस्ट पीपल के बारे में, यानी अर्लीस्ट पीपल कौन से अर्लीस्ट पीपल की बात कर रहे हैं कि पुराने लोगों की बात कर रहे हैं? बात कर रहे हैं हम अर्लीस्ट पीपल की, बट विच अर्लीस्ट पीपल वी आर टॉकिंग अबाउट हु लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट बिफोर 2 मिलियन ईयर्स। 2 मिलियन ईयर्स पहले जो लोग सब कॉन्टिनेंट में रहते थे उनकी बात कर रहे हैं। 2 मिलियंस का मतलब होगा 20 लैक्स, 1 मिलियन इक्वल टू 10 लैक्स। हम बात कर रहे हैं 20 लैक्स की, ठीक है? तो हम 20 लैक्स साल पहले जो है उसकी बात कर रहे हैं, तो बहुत पुरानी बात हो गई। चलिए, तो अब आप बोलेंगे कि अगर इतनी साल पुरानी बात है तो यहाँ पे तो हम लोगों को 10-20 ईयर्स पहले बात जो है वो ही नहीं याद रहती, तो इतने साल पुरानी चीज़ें आपको मिली कहाँ से? तो उसके बारे में भी है कि हाउ वी गेट दिस ऑल इन्फॉर्मेशन, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। पहले इसको फिनिश करते हैं। तो जब हम अर्लीस्ट पीपल की बात करते हैं, देन यू विल फाइंड वी कॉल दैम हंटर्स एंड गैदरर्स। उनको हम क्या बोलते थे? हंटर्स और गैदरर्स, कि वो हंटर करते थे और फूड को गैदर करते थे। अब हंटर का मैंने आपको बताई दिया कि हंटर करने के लिए क्या करते थे, वो एनिमल्स को हंटर करते थे। गैदर वो क्या करते थे? जो क्रॉप्स हैं, यानी जो आपके प्लांट्स हैं या ट्रीज हैं, वहाँ से वो फूड अपना कलेक्ट करते थे। तो अब क्या रीज़न थे कि उनको मूव करना पड़ा? Why they were on the move? तो कुछ reasons बताए हुए हैं कि although they were hunting और gathering, कुछ भी इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर रहे थे, फिर भी वो मूव करते थे, उसके रीजन दिए हुए हैं। देखिए, अब if stayed one place, जो earliest people जो हैं वो एक जगह पे रहते थे, then eaten all food, अगर एक जगह पे वो रहते थे तो क्या करते थे? वहाँ से क्या कर रहे हैं? प्लांट से या फॉरेस्ट से वो फूड इकट्ठा कर रहे हैं, या वहाँ जो एनिमल्स हैं उनको आपने हंटर कर लिया। अब कितने प्लांट या फूड जो है वो बहुत इमीडिएटली तो ग्रो नहीं कर जाते, टाइम लगता है उस टाइम उसको ग्रो करने के अंदर, या एनिमल्स जो हैं वो इतनी जल्दी तो बड़े नहीं हो जाते। तो आप सारा ही फूड वहाँ पे क्या करते थे, कुछ टाइम के लिए अगर वहाँ रुकते थे तो वो सारा ही फूड वहाँ पे उस पर्टिकुलर एरिया का फिनिश हो जाता था, जिसकी वजह से उनको उस प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करना पड़ता था। ये तो था हमारा पहला रीज़न कि वो सारा जो है वो फूड जो है वो खा जाते थे, सब कुछ खा जाते थे, फिनिश कर जाते थे, ठीक है? तो अब उनको मूव करना पड़ेगा भाई, है ना? अब आप तो फिनिश कर जाते हो तो मम्मा दूसरा प्लेट में शाम को और आपके लिए हाजिर हो जाता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। चलिए, नेक्स्ट है, नेक्स्ट रीज़न क्या है? एनिमल्स मूव वन प्लेस टू अनदर, सो दे हैड टू गो बैक और फॉलो देम। अब किसको हंटर करते थे? वो एनिमल्स को हंटर करते थे। अब एनिमल्स जो है आज तो हम उनके अभी बांध बांध के उनको रख लेते हैं कि यहीं पे तुम्हें खड़े रहना है, मूव नहीं करना, लेकिन पहले तो ऐसा नहीं था, फॉरेस्ट के अंदर ही रहते थे। अब फॉरेस्ट के अंदर रहते थे तो जैसे ह्यूमन बीइंग के साथ में होता था, तो जैसे यहाँ पे आज ग्रास ग्रेज कर ली, उन्होंने घास खा ली, अब यहाँ की ग्रास ख़त्म हो गई, अब क्या करेंगे? वो थोड़ा सा आगे मूव करेंगे, वहाँ पे ख़त्म हो गई, थोड़ा सा और आगे मूव करेंगे। तो अब ह्यूमन क्या कर रहा है? एनिमल्स को मार रहा है। अब एनिमल्स को मारने के लिए अब वो वहीं पर्टिकुलर एरिया के वो एनिमल्स वो फिनिश हो गए या फिनिश नहीं हुए, तो वो अपने फूड के लिए वो थोड़ा उन्होंने अपना स्पेस प्लेस जो है वो चेंज कर लिया। तो अब उनको फॉलो करने के लिए भी जो ह्यूमन होते थे, जो अर्लियर मैन होते थे, पीपल होते थे, वो क्या करते थे? अपना प्लेस चेंज कर लेते थे। ठीक है, समझ में आ गया आपको रीज़न ये? नेक्स्ट रीज़न क्या है? प्लांट्स ट्रीज बेयर फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन हैड टू मूव अकॉर्डिंग टू सीजन। अब जो प्लांट्स है या ट्रीज हैं, जहाँ से भी ये फूड अपना गैदर कर रहे थे, अर्ली मैन जो हैं, पीपल जो जहाँ से भी अपना फूड गैदर कर रहे थे, वो क्या होता था कि वो सीजनल होते थे। ऐसा तो है नहीं कि पूरे सीजन जो है वो सारी चीज़ अवेलेबल रहे, लाइक एप्पल जो है वो विंटर सीजन में मिलते हैं, मैंगो जो है वो समर सीजन में मिलते हैं, और भी जो भी फूड वो खाते थे, तो वो सीजनल रहता है, कोई भी प्लांट हो वो सीजनल ही रहता है ऑलमोस्ट। तो वो प्लांट जो है अगर पर्टिकुलर वहाँ पे वो विंटर में है और वहाँ पे वो प्लांट वो फूड है वो फिनिश कर लिया, अब वहाँ पे समर आ गई, वो दूसरे समर वाले जो फूड है वो वहाँ पे नहीं मिलता, तो उसको उस फूड के लिए उनको क्या करना पड़ता था? जहाँ पे समर के फूड अवेलेबल हो वहाँ पे मूव करना पड़ता था। तो ये भी कुछ रीज़न होता था कि सीजन के अकॉर्डिंग जो है वो मूव करना पड़ता था उनको। ठीक है,
फिर आता था मूवमेंट ड्यू टू वाटर रिसोर्सेज. अब वाटर रिसोर्सेज जैसे बोला कि मोस्टली जो सिविलाइजेशन है या जो लोग हैं वो सबसे पहले जो बैंक रिवर्स थे, बैंक रिवर्स के जो बैंक थे उनके वहाँ पे आके बसे, यानी जो नदियों के किनारे थे वहाँ पे आके लोग बसे, क्योंकि पानी जो है वो वहीं से मिल जाता था, फूड के लिए उनको मूव करना पड़ता था, वहीं आसपास में फॉरेस्ट होते थे तो वहाँ से उनको फूड मिल जाता था. तो वाटर रिसोर्सेज की जो अवेलेबिलिटी थी उसके अंदर में भी कुछ चेंजेस रहते थे. वहाँ पे देखिए दो टू टाइप्स के वाटर रिसोर्सेज रहते हैं, एक होते हैं पेरिनियल और एक होते हैं सीजनल. पेरिनियल मतलब जो पूरे साल जो हैं वो होल ईयर अवेलेबल रहते हैं, लेकिन कुछ जैसे कुछ रिवर्स होती हैं जो कि पूरा साल जो है वो बहती रहती हैं, उनके अंदर फ्लो होता रहता है, ग्लेशियर से उनके अंदर पानी आता रहता है. लेकिन कुछ रिवर्स, लेक, पोंड जो हैं वो ऐसे रहते हैं जो सीजनल रहते हैं, मतलब जो रेनी सीजन है या जब पानी आ रहा है बारिश का तब तो वो आपको पानी वहाँ पे मिलेगा, अदरवाइज वाटर नहीं मिलेगा. तो ऐसे एरिया जहाँ जो सीजनल एरिया के आसपास वाटर रिसोर्सेज के पास रहते थे तो उनको अपनी जगह चेंज करनी पड़ती थी ताकि वो वाटर जो है उनको अवेलेबल हो सकता है, हो सके. ठीक है, तो ये मेन रीज़न थे कि अर्लीस्ट पीपल जो हैं वो भी मूव करते थे अलग अलग रीज़न की वजह से. ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं. अब देखते हैं कि ये जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं कि अर्लीस्ट जो पीपल है वो हंटर करते थे, गैदरिंग करते थे, एनिमल्स को मारते थे, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, ये सारी चीज़ें हमें पता कहाँ से चलती है. तो हमने लास्ट लेक्चर में भी आपको एक टर्म आई थी आर्कियोलॉजिस्ट. ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट किसे बताया था, हमने डेफिनेशन पढ़ी थी. आर्कियोलॉजिस्ट वो पर्सन होते हैं जो जो एंशिएंट टाइम की या पुराने टाइम की जो चीज़ें होती हैं उसको स्टडी करते हैं. ठीक है, स्टडी करके उसका टाइम डिफाइन करते हैं कि ये कितने साल पुरानी चीज़ें हैं और उसके बारे में और थोड़ा नॉलेज गैदर करते हैं कि इस चीज़ से क्या लिया गया होगा. अगर ये इतने साल पुरानी चीज़ हैं तो इसको किस टाइम में किस तरीके से यूज़ किया गया होगा या इसके क्या क्या यूजेज रहे होंगे, तो वो सब जो स्टडी करते हैं वो कौन होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट. तो अब जिस जो हंटर्स गैदर्स ये सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं तो वो हम लोगों को कैसे पता चला, यानी जो ऑर्डिनरी पीपल हैं हमारी नॉलेज में ये चीज़ें कैसे आई. तो जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं जो कि स्टडी करते हैं पास से रिलेटेड चीज़ों की, उनके बारे में नॉलेज गैदर करते हैं, वो होते हैं आर्कियोलॉजिस्ट. इन्होंने क्या किया कि इनको कुछ चीज़ें मिली, दे फाउंड सम थिंग्स. क्या मिला है, हंटर और गैदरर से रिलेटेड, यानी उनको कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जब वो थोड़ा खुदाई वगैरह होती है कोई, अगर आप ज़मीन खोदते हैं तो नीचे कुछ ना कुछ आपको बोन्स मिलती हैं. ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे एनिमल्स की आपको बोन्स मिलेगी या कुछ ऐसी वुड मिलेगी या पुराने टाइप का कोई आपको कॉइन मिल सकता है या कोई रॉक ऐसी मिल सकती है जिस पर कुछ लिखा हुआ हो, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल सकती हैं. तो ये आर्कियोलॉजिस्ट उसको स्टडी करते हैं और उसका टाइम डिसाइड करते हैं कि ये टाइम कौन से टाइम की है. तो उनको हंटर और गैदरर से रिलेटेड कुछ चीज़ें मिली हैं जो कि उन्होंने बनाई थी और यूज़ की थी. ठीक है, अब क्या क्या चीज़ें मिली हैं, उनको कुछ टूल्स मिले हैं. आपके बुक के अंदर भी इस तरीके की एक स्टोन दिया हुआ है लाइक, ठीक है, और उसका एक टाइप एक साइड जो है वो शार्पन है. तो ये बोलते हैं कि ये जो चीज़ है ये अपने उनके लिए क्या था, एक वेपन था या टूल था. तो इस पर इस तरीके की वुडन जो चीज़ का वो कुछ भी हैंडल बना लिया करते थे, या पहले तो उन्होंने क्या किया सिर्फ इसी को यूज़ करना स्टार्ट किया. तो ये जो है वो जो ज़मीन है उसको खोदने के काम आता होगा, या और क्या क्या चीज़ काम आती थी. पहले ये देखेंगे कि इनको टूल्स कौन कौन से मिले. इनको टूल्स मिले किस चीज़ के, स्टोन के यानी पत्थर के बने हुए. फिर इनको मिले बोन्स के यानी हड्डियों से भी इन्होंने कुछ टूल्स बनाए हुए थे. कुछ ऐसी बोन्स थी, मान लो कोई एनिमल्स ऐसे हैं जिनकी बोन्स बहुत स्ट्रॉन्ग है तो उसका उन्होंने टूल बनाया हुआ था. वुड के टूल बनाए हुए थे या वुड का जो टूल है वो हैंडल के रूप में उन्होंने यूज़ किया. अब उन्होंने बोला है कि इसको क्या यूज़ करते होंगे, जब इसका टाइम आपको पता चल गया कि ये टूल्स जो है वो कितने सालों पुराने हैं, तो अगर इतने सालों पुराने टूल्स हैं तो उस टाइम में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल थी, हमें हिस्ट्री से पता चलता है ना ये. तो उस टाइम हम ये मान के चल रहे हैं कि जो मान लो रिवर्स के पास पास जो लोग हैं या जो एंशियंट टाइम में या अर्लीस्ट पीपल थे वो क्या करते थे, हंटरिंग करते थे और गैदरिंग करते थे. तो हंटरिंग करते थे तो फिर ये क्या करते थे, मान लीजिए एनिमल को मारा तो एनिमल को कैसे मार देंगे, उसको पकड़ के कैसे मार सकते हो आप, नहीं मार सकते. उसको मारने के लिए आपको कोई ना कोई ऐसा शार्प वेपन चाहिएगा जिससे आप उसको हिट कर सको, उसको टारगेट कर सको और वो मर जाए, है ना. तो उसके लिए क्या चाहिएगा आपको,
टूल चाहिए, तो ये टूल जो है चाहे वो स्टोन के थे चाहे वो वुड के थे, तो इस तरीके के टूल डेफिनेटली वो हंटिंग करने के लिए यूज़ करते थे। हंटर कर लिया आपने, उसका मीट जो है वो ऐसा तो है नहीं पूरे एनिमल को आप खा जाओगे, उसको आप कट करोगे, तो वो ये बोल रहे हैं कि कुछ चीज़ें जो है वो इनको मिलती हैं, कुछ चीज़ों का अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि इन चीज़ों से एक्चुअल में उस टाइम में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल थी और उसका क्या यूज़ रहा होगा। तो उसी अंदाजे से ये आइडिया से ये बोल रहे हैं कि मीट को कट करने के लिए, बोन्स को कट करने के लिए यह स्क्रैप, ये स्क्रैप है, स्क्रैप बाग। स्क्रैप बाग का मतलब जो ट्री होती है उसकी जो बाग होती है, जो स्टेम होता है, कई बार उस बहुत सारे ट्रीज ऐसे होते हैं जिनकी बाग को भी खाया जाता है, ठीक है, तो उसके लिए यूज़ करते होंगे। एनिमल्स की जो स्किन होती थी, अब पहले जो है वो ह्यूमन क्या करते थे, बिना क्लोथ्स के घूमते थे, फिर उनको धीरे धीरे जो है वो सर्दी लगने लगी, गर्मी लगने लगी, तो फिर उन्होंने जब एनिमल्स को मार देते थे तो उसका मीट तो खा लेते थे लेकिन जो उसकी स्किन थी वो ऐसे ही रहती थी। फिर उनको समझ में आया कि क्यों ना इस स्किन को पहना जाए, फिर उसको स्किन को वो पहनने लगे अपनी बॉडी को कवर करने के लिए। तो ऐसा तो है नहीं पूरी स्किन ऐसे ही पहन लोगे, तो कहीं ना कहीं उसको थोड़ा थिन करना पड़ेगा, तो उसके लिए यूज़ करते थे ये टूल्स, फ्रूट्स या रूट को चॉप करने के लिए, कट करने के लिए यूज़ करते थे, ठीक है। वुड का जो काम था वो क्या था, हैंडल्स बनाने के, या बोन्स का भी हैंडल बना लिया करते थे। वुड जो है वो फायर वुड के बाद काम भी आई जब उन्होंने फायर जलाना सीख लिया, और वुड जो है हट बनाने के या टूल बनाने के काम में ली जाती थी। तो ये कुछ फैक्ट है, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आर्कियोलॉजिस्ट को मिली हैं अलग अलग साइट से, अलग अलग जगह से। एनिमल की स्किन जो है वो अपनी बॉडी को कवर करने के लिए यूज़ करते थे। अब हम देखते हैं कि वो लोग रहते कैसे थे, कौन सी जगह पे रहना पसंद करते थे। अब हमने ये तो जान लिया कि आर्कियोलॉजिस्ट को क्या क्या चीज़ें मिली, अब उन चीज़ों का यूज़ वो लोग कहाँ कहाँ पे करते थे इसको अब हम देखते हैं। ये एक मैप बना हुआ है, इसको आप थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पे ये मैंने इस पे एरिया को भी कवर किया है, एज आई टोल्ड यू कि पहले इंडिया का मैप ऐसा नहीं था, आसपास का जितना भी एरिया था वो भी इंडिया के अंदर ही कवर्ड था, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल की शेप में कुछ तीन पॉइंट यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है, दैट इज भीम बेटका, होंगसुई, और एक है आपका कुरनोल केव्स, ठीक है। तो इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पहले अब ये देखिए कि चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, यानी वो लोग मूव करते थे हंटर्स करने के लिए, गैदरिंग करने के लिए, वन प्लेस टू अनदर प्लेस वो लोग मूव करते थे। अब मूव कर रहे हैं तो कौन कौन सी जगह ऐसी थी जिसको वो चूज़ करते थे रहने के लिए। अब आप कहीं पे रहते हैं तो कुछ ना कुछ तो रीज़न रहा होगा ना, आप तो इसलिए रहते हैं भी, आपके पेरेंट्स जो हैं वो वहाँ पे रहते हैं बाय बर्थ ही, लेकिन आपके पेरेंट्स वहाँ पे किस लिए आए, क्या वो भी बाय बर्थ रहते हैं। अगर वो बाय बर्थ रहते हैं तो कोई ना कोई उनके जो जो ग्रैंड पेरेंट हैं या उनके फादर मदर हैं या जो उनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो वहाँ पे कभी तो फर्स्ट टाइम आए होंगे, तो उसका क्या रीज़न रहा। तो वो रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, आप ऑक्यूपेशन के लिए आ सकते हैं, आप हायर स्टडी के लिए आए और वहीं पर रह गए, वहीं पर आपको काम मिल गया, और बहुत सारी रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से आप उस पर्टिकुलर प्लेस पे रह रहे हैं। लाइक वहाँ की जो लैंड है वो बहुत अच्छी है, वहाँ पे आप एग्रीकल्चर करने लगे, वहाँ पे आपको अच्छा काम चल पड़ा आपका, आप वहाँ पे रह गए, तो कुछ ना कुछ रीज़न रहा होगा। अब ये हंटरिंग कर रहे हैं, गैदरिंग कर रहे हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर रहे हैं, तो उस टाइम में यानी जो अर्लीस्ट पीपल है वो कौन से प्लेस को सेलेक्ट करते थे अपने रहने के लिए, ये अब हम इस नेक्स्ट पॉइंट में समझने वाले हैं। सो जो आर्कियोलॉजिस्ट है दे गॉट सम साइट्स एंड एविडेंस ऑफ हंटरिंग एंड गैदरिंग, यानी जो आर्कियोलॉजिस्ट है उनको कुछ एविडेंस मिले हैं हंटरिंग और गैदरिंग के, कहाँ पे, केव पेंटिंग में। अब केव पेंटिंग के अंदर यानी वहाँ पे जो केव मिली है कोई भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, उन केव्स के अंदर जो पेंटिंग मिली है उसमें कुछ इस तरीके का मिला है कि एक बहुत लाइन सा स्ट्रक्चर है, जो पर्सन है वो इस तरीके से हाथ में कुछ वेपन लेके शार्पन और एक डियर के पीछे भाग रहा है, ठीक है। अब मेरी पेंटिंग इतनी अच्छी नहीं है बट यू गॉट, ठीक है, तो इस तरीके से भाग रहा है। अब आप पेंटिंग करते हैं, आप कोई भी चीज़ ड्रॉ कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं, तो मुझे ये बताइए जिस चीज़ की आपको नॉलेज ही नहीं है क्या वो आप ड्रॉ करेंगे,
अब ड्रॉ नहीं करेंगे। हम क्या चीज़ ड्रॉ करते हैं, आज अगर हम ड्रॉ करेंगे तो हम क्या ड्रॉ करेंगे, हम मोबाइल ड्रॉ करेंगे, हम कंप्यूटर ड्रॉ करेंगे। अगर मैं आपको बोलूं कि आप अपने सराउंडिंग चीज़ों को ड्रॉ करके दिखाइए तो आप क्या ड्रॉ करोगे, आपके आसपास टेबल होगा, चेयर होगा, टीवी होगा, मोबाइल होगा, डेफिनेटली आप उनको ड्रॉ करेंगे। तो उस टाइम में क्योंकि ये चीज़ें नहीं थी, अब वो उस टाइम में क्या हो रहा था, उस टाइम में जो पर्सन है वो क्या कर रहा था, एक एनिमल को हंट कर रहा है तो उसकी ड्राइंग बनाएगा। ठीक है, तो ड्राइंग या पेंटिंग जो है वो उससे रिलेटेड ही होती है, जिस सराउंडिंग में हम लोग रह रहे हैं उन्हीं चीज़ों को हम ड्रॉ करते हैं। तो केव पेंटिंग मिली है, ठीक है, इस तरीके की पेंटिंग जो है वो केव्स के अंदर मिली है। अब केव के अंदर पेंटिंग मिली है, इसका मतलब क्या कि केव में पेंटिंग कौन कर गया, क्या किसी एनिमल ने आके पेंटिंग कर दी, क्या ये डियर जो है जिसको उस पर्सन ने मार दिया था वो आके पेंट कर गया कि भाई इस आदमी ने मुझे मार दिया, अब इसको मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो मर गया हूं, अब इसको पकड़ लेना, कैसा हो सकता है, नहीं। तो ये किसने की होगी, इस मैन ने की होगी जो ड्रीम ले रहा है कि मैं अब जब भी बाहर जाऊंगा मैं इस डियर को मारने वाला हूं, या लॉयन है, या जो भी उसका ड्रीम रहा होगा, या जो भी एक्टिविटी वो कर रहा होगा, तो ह्यूमन ने की। ठीक है, ये बात तो क्लियर होगी। अब ह्यूमन जो है वो केव में कैसे गया, इसका मतलब क्या हुआ, आप चीज़ों को कनेक्ट करेंगे कि मिली तो हमें केव के अंदर पेंटिंग, हमें वहाँ पे ह्यूमन नहीं दिखाई दे रहा, हमें वहाँ पे डियर भी नहीं दिखाई दे रहा, हम उस पेंटिंग से ये आइडिया लगा रहे हैं कि यहाँ पे कभी तो ह्यूमन रहा होगा, जब उसने अपना टाइम यहाँ पे स्पेंड किया तो उसने पेंटिंग बनाई। अब ह्यूमन वहाँ पे क्यों रहा होगा, अब जैसे कि अर्लीस्ट पीपल जो थे उनको बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट उनके अंदर नहीं था, तो अभी तक वो लोग जो है वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर रहे थे, तो इसका मतलब अपना घर बना के तो नहीं रह रहे थे। ये जो केव्स थी ये क्या थी, नेचुरल थी, बनी बनाई थी किसी, मतलब जो रॉक्स हैं या माउंटेन्स हैं उनकी शेप ऐसी बनी हुई है कि जो नेचुरल केव्स वहाँ पर बनी हुई है। तो इन्होंने जब देखा कि कभी घूमते हुए इनको समझ में आया होगा कि यहाँ पर ये केव्स हैं, और उन केव्स में रहने पर सर्दी कम लग रही है, गर्मी कम लग रही है, रेन से हम बच रहे हैं, तो वो लोग कैसा प्लेस ढूंढा, उन्होंने केव को एज अ शेल्टर उन्होंने अपना घर बना लिया, यानी केव के अंदर रहने लगे, तभी तो वहाँ पे पेंटिंग मिली ना। ओके, रॉक शेल्टर, रॉक शेल्टर मतलब रॉक जो आपस में जुड़ी हुई है, केव प्रॉपर नहीं है लेकिन फिर भी अपने आप में शेल्टर दे रखा है, बचा रही है धूप से, छांव से, सर्दी से, बारिश से, उसको रॉक शेल्टर बोलते हैं। तो इस जगह पे वो रहने लगे, यानी केव में रह रहे हैं, रॉक शेल्टर के अंदर रह रहे हैं। और एक चीज़ और उन्होंने, आर्कियोलॉजिस्ट ने ऑब्जर्व की कि मोस्टली साइट्स जो हैं वर नियर द वाटर सोर्स, जितनी भी साइट्स थी वो क्या थी, पानी के जितने भी वाटर सोर्स थे उनके आसपास थी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कि वाटर जो है वो एसेंशियल है हमारे लिए, वो तो समझ में आ ही गया, जो बेसिक नीड थी वो तो पानी तो उनको पहले चाहिए था, तो वाटर सोर्स के आसपास ही जो सिविलाइजेशन भी डेवलप हुई वो वाटर जो सोर्स रहे हैं उनके आसपास ही डेवलप रही है, तो ये भी एक मेजर पॉइंट है। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है साइट, ठीक है, साइट को भी देख लीजिए। साइट क्या होती है, द प्लेस द रिमेन वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स वर फाउंड। कोई भी साइट, साइट आप समझते हैं ना कि कोई भी एक ऐसी जगह लोकेटेड जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, लाइक आपके घर के अंदर कोई, अगर मान लीजिए जो आर्किटेक्ट है, ठीक है, आर्किटेक्ट के पास में 3-4 जो बिल्डिंग्स हैं उनका काम आया हुआ है, तो वो बिल्डिंग्स उसके लिए क्या हो गई, साइट हो गई। साइट मतलब जहाँ पे वो काम करने जा रहा है, ये पर्टिकुलर चीज़ जगह की एक वो बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे साइट का मतलब क्या है, जहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट को उनके रिमेन्स मिले हैं, यानी जो चीज़ें मिली हैं जिनसे वो एविडेंस के रूप में हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं उसको बोला हुआ है साइट। और साइट जो है ये बोल रहे हैं कि ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इट कुड बी ऑन लैंड। ये साइट जो है, साइट की जब हम बात कर रहे हैं तो लैंड के ऊपर भी हो सकती है, यानी केव्स जो है वो अभी तक लैंड के ऊपर है तो वो ऑन द लैंड हो गई। अंडर वाटर भी हो सकती है। अब अंडर वाटर कैसे हो सकती है, अंडर वाटर ऐसे हो सकती है कि हो सकता है जब वो अर्थ पे रही हो तब वो अंडर वाटर नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे ओवर द पीरियड कुछ अर्थ के अंदर, पता है आपको, मूवमेंट होती रहती है, बहुत सारी मूवमेंट हुई है। जो कॉन्टिनेंट्स थे हमारे वो पहले क्या थे,
बिल्कुल एक साथ थे सारे। अब धीरे धीरे उस मूवमेंट की वजह से आपको पता होगा बीच में वाटर जो है वो गैप है हमारे, ठीक है। तो टेथिस जो ओशियन था उसके अंदर भी बहुत सारा चेंज आया है, तो उस मूवमेंट की वजह से वो जो अर्थ का जो सरफेस था वो अंडर वाटर हो गया हो, या कुछ ऐसी चीज़ें जो अंडरग्राउंड हो गई हो, ठीक है, जो हमें आज मिल रही हो खोदने पे, डिग करने पे, तो ऐसे भी हो सकते हैं। लाइक जो राजस्थान के अंदर है पीलीबंगा कालीबंगा जो एरिया है, वहाँ पे जब आप नीचे खोदते हैं तो प्रॉपर एक सिविलाइजेशन मिलती है, तो वो चीज़ें क्या हो गई, अंडरग्राउंड हो गई, ठीक है। तो साइट आप इन सब ये सारी चीज़ें ही इंक्लूड हैं साइट के अंदर। नेक्स्ट देखेंगे, अब ये मैंने बता दिया आपको कि वाटर सोर्स के आसपास ही इनका घर बनाते थे या रहते थे, ठीक है, मोस्टली जो केव हैं या जो इनकी साइट्स हैं। फिर है पीपल ट्राई टू फाइंड, और ये रीज़न है, ये आप रीज़न देखेंगे कि लोग कहाँ कहाँ रहते थे। तो लोग केव्स में रह रहे थे क्योंकि उनको जो एक्सट्रीम कंडीशन थी हीट से, समर से, रेन से, उनको वो थोड़ी हेल्प कर रहे थे उनसे बचने के लिए, रॉक शेल्टर भी हेल्प कर रहे थे, पानी के आसपास जगह ढूंढ रहे थे। यहाँ पे लोग रहते थे कहाँ पे, चूजिंग ए प्लेस टू लिव इन, रोग ढूंढ रहे हैं, केव ढूंढ रहे हैं, पानी के आसपास की जगह ढूंढ रहे हैं। एक और क्या चीज़ ढूंढ रहे हैं, पीपल ट्राई टू फाइंड प्लेसेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन वाज इजिली अवेलेबल। एक चीज़ और देखने को मिली कि जहाँ पे अच्छी क्वालिटी का स्टोन अवेलेबल था लोग वहाँ पे रहना पसंद कर रहे थे, यानी उस एरिया के अंदर लोगों के रहने के कुछ रिमेन्स अवेलेबल हुए हैं। इसका मतलब कि जब वो टूल्स बना रहे हैं जिसके अंदर वो स्टोन का यूज़ कर रहे हैं, तो ये जो टाइम पीरियड था ये क्या था, स्टोन एज का ही टाइम था। स्टोन से बहुत सारी चीज़ें जो है वो इन्होंने बनानी सीखी। सबसे पहला जो मटेरियल था जिससे इन्होंने कोई चीज़ बनाई, इन्वेंट की, वो क्या थी, स्टोन ही थी। तो ये सबसे वो ही एक मटेरियल था इनके लिए, सबसे यूजफुल मटेरियल कौन था, स्टोन था। अब स्टोन से जब चीज़ें बनाना सीख रहे हैं तो ये क्या ढूंढ रहे हैं, जब रहने की जगह ढूंढ रहे हैं तो वो प्लेस ढूंढ रहे हैं जहाँ पे गुड क्वालिटी का स्टोन अवेलेबल हो। फिर केव्स आपको बता ही दिया मैंने, पेंटिंग मिल रही है वॉल्स पे, एमपी और यूपी की कुछ केव्स यहाँ पे मिली हैं जो कि जहाँ पे इनको पेंटिंग मिली है। तो ये जो एरिया बोल रहे हैं ये थ्री, बहुत सारी मिली हैं बट इनमें से मेजर तो थ्री चीज़ें बताई हैं। ये आप देखेंगे यहाँ पे इनको केव्स मिली है जिसके अंदर वॉल पेंटिंग मिली है, जिसमें कुछ हंटरिंग कर रहे हैं या कुछ गैदरिंग कर रहे हैं, इस तरीके से रिलेटेड मिली हैं। तो ये भीमबेटका जो नर्मदा रिवर है उसके बैंक पे है, ये भी कोई रिवर है, ये भी कोई कावेरी रिवर है उसके बैंक पे, इस तरीके की चीज़ें इनको मिली है, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि जो वो केव्स को क्यों सिलेक्ट करते थे, तो वैसे तो उसका आंसर यही मिल गया कि वो केव्स को क्यों सिलेक्ट करते थे रहने के लिए। तो केव्स क्यों सिलेक्ट करेंगे, आपके पास में क्वेश्चन है, उसका आंसर हम पहले ही दे चुके हैं कि केव्स इसलिए सिलेक्ट करते हैं कि वो उनको एक्सट्रीम कंडीशन से बचाते हैं। एक्सट्रीम का मतलब हीट से भी, कोल्ड से भी और रेन से भी, ठीक है, और एनिमल से भी। एनिमल्स से भी तो बेचारा है, जो एनिमल्स हैं वो जल्दी से केव के अंदर नहीं आते थे, और आते थे तो वो कुछ ना कुछ इस तरीके से उनके पास में वेपन होते थे, वो उनको मार देते थे, तो एनिमल्स से भी बेचारा है। तो एक्सट्रीम जो कंडीशन थे उनसे उनको बचा रही थी केव्स, इसलिए वो केव्स में रहना ज़्यादा पसंद कर रहे थे। ओके, तो अब पढ़ते हैं कि फायर जो है उसकी फाइंडिंग, यानी उसके बारे में क्या एविडेंस मिल रहे हैं, और एविडेंस किसको मिलेंगे, आर्कियोलॉजिस्ट को मिलेंगे, आपको या मुझे तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि उन लोगों को ही इसकी पहचान होती है, उसकी स्टडी की भी उन्होंने स्टडी की होती है तब उन लोगों को पहचान होती है। तो आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ से उनको फायर के कुछ एविडेंस मिले, जैसे ये भीम बेट का जो जगह थी यहाँ पे, तो उनको क्या मिले, केव, ऐसी वो केव्स मिली हैं जहाँ पे उनको हंटिंग और गैदरिंग के मतलब कुछ एविडेंस मिले हैं। ये जो एरिया है कुरनोल केव्स, आंध्र प्रदेश के अंदर है अभी एट प्रेजेंट, कुरनोल केव्स जो है आंध्र प्रदेश में, जैसे मैंने बताया आपको, वहाँ पे उनको कुछ ऐसे ट्रेसेस मिले हैं, यानी ऐसी एविडेंस मिले हैं किसके, ऐश के। ऐश मतलब राख, कोई भी चीज़ जलने के बाद में जब वो ऐश बन जाती है, राख बन जाती है, तो उसके ट्रेसेस मिले हैं उसको। जब उन्होंने स्टडी किया तो वो बता रही है कि वो बहुत हजारों साल पहले, लाखों साल पुरानी ऐश है। अब ये ऐश अगर लाखों साल पुरानी है तो ऐश कैसे बन गई, मतलब वो ऐश कहाँ से आई,
क्या कोई भी चीज़ ऐसे ही ऐश बन जाएगी? कोई चीज़ जलेगी, फायर होगी, तभी उसके बाद में उसके जो रिमेन्स के रूप में क्या बच जाता है, ये ऐश बच जाती है। इसका मतलब कि लोग जो है इस एरिया के अंदर ऐश से या फायर से, ऐश थी तो इसका मतलब फायर थी। अब ये देखिए, यहाँ पे ऐश मिल रही है, हमें फायर नहीं मिल रही है, लेकिन यहाँ से इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जी हमें तो फायर तो मिली नहीं, हमें ऐश मिली है, हम कैसे मान लें कि फायर ही थी? तो आप खुद बताइए, अगर ऐश मिली है तो बिना फायर के ऐश कहाँ से आई, बताइए। तो कुछ चीज़ों का हम लोगों को कनेक्ट करना पड़ेगा, तो यही कनेक्ट करने का काम होता है आर्कियोलॉजिस्ट का। तो उनको यहाँ से इस केव से ऐश मिली है, जिससे इनको ये पता चल रहा है कि फायर की नॉलेज थी यहाँ के इस एरिया के आसपास जो रहने वाले लोग थे। पीपल वर फैमिलियर विद यूज़ ऑफ फायर, कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं। अब ये बोल रहे हैं कि क्या क्या यूज़ करते होंगे वो फायर का, तो डेफिनेटली सोर्स ऑफ लाइट, क्योंकि जब आप फायर का आपने इन्वेंशन कर लिया है, फायर को आपको यूज़ करना आ गया है, तो फिर क्या करेंगे? जब रात को तो अंधेरा होता ही है, सारी जगह ही होता है दुनिया में, हर कहीं होता है। तो जब उनको फायर का यूज़ करना आया, फायर जलानी आई, तो उनको पता चल गया कि वहाँ से कुछ तो लाइट प्रोड्यूस हो रही है। उसको लाइट नेम कहाँ से पड़ा वो हमें नहीं पता, रोशनी नेम कहाँ से पड़ा वो नहीं पता, लेकिन वहाँ से कुछ लाइट हो रही है, जिससे कुछ चीज़ें जो है जो रात के अंधेरे में दिखती नहीं थी, वो चीज़ें भी अब दिखने लगी है। तो डेफिनेटली उसको सोर्स ऑफ लाइट के रूप में उन्होंने यूज़ किया होगा। रोस्ट मीट, अभी तक वो लोग क्या कर रहे थे, हंटर कर रहे थे और उसको कच्चा खा रहे थे, रो खा रहे थे, है ना। अभी तक कहीं भी ऐसे एविडेंस नहीं मिले जहाँ पे वो पका के खा रहे हों, क्योंकि जब तक फायर का इन्वेंशन ही नहीं हुआ था। अब फायर का इन्वेंशन हो रहा है, इससे पहले हमने टूल्स के बारे में पढ़ा, जहाँ पे ये देख रहे हैं कि वो टूल्स है, उसको मीट को कट करके खा रहे हैं, एनिमल्स को मार रहे हैं। तो अब जो फायर हो गई है, तो अब उनको ये भी पता चल गया कि इससे अगर कुछ चीज़ रखेंगे तो वो पक रही होगी, रोस्ट हो रही होगी। तो फिर वो क्या किया, अब वो फायर को किससे यूज़ कर रहे होंगे, मीट को रोस्ट करने में यूज़ कर रहे होंगे। स्केयर अवे एनिमल्स, जिन एनिमल्स को वो छुप जाते थे, केव्स के अंदर छुप जाते थे, अब क्या होता है, एनिमल्स जो है वो आग से डरता है, फायर से डरता है, इसीलिए वो फॉरेस्ट में रहता है ना, शहर में कम आता है, सिटी में कम आता है। तो लोग एनिमल्स को डराने के लिए, ताकि वो सेफ रह सके, तब वो फायर का यूज़ करते होंगे, ठीक है। तो ये कुछ यूजेस हैं कि इन्होंने इस टाइम में फायर के ये यूजेस किए होंगे। तो ये आप सारी चीज़ें आपने देखी कि जो एविडेंस मिल रहे हैं, आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, कहाँ से हमें हंटरिंग का गैदरिंग के एविडेंस मिल रहे हैं, और अब हम जो रो चीज़ खा रहे थे, अब उससे थोड़ा फायर की तरफ बढ़ गए हैं, यानी चीज़ों को पकाना आ गया अब हमें। अब हम चलेंगे कि हम एग्रीकल्चर करना भी सीख जाएंगे धीरे धीरे, लेकिन स्टेप वाइज स्टेप चलेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने कुछ चीज़ें कवर की। रिमेनिंग पार्ट को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करने वाले हैं। इनके जो नोट्स बनाए हैं, शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, उनको आप बनाइए, ताकि आपको देखते ही पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए, लर्न हो जाए, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप साथ में करेंगे, ताकि साथ साथ में चीज़ें कवर होती जाएँ। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।